नमस्कार दोस्तों सावन के पावन महीने में कावड़िए कावड़ में जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है आइए जानते हैं इसके पीछे प्रचलित कथा बताते हैं कि इस महीने में समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को पी लिया था विष का सेवन करने के कारण भगवान शिव का शरीर जलने लगा भगवान शिव के शरीर को जलता देख देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया जल अर्पित करने के कारण भगवान शिव जी का शरीर ठंडा हो गया और उन्हें विष से राहत मिली इसके बाद से ही सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है यह परंपरा तभी शुरू हुई थी अन्य कथा के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि सबकी सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर अभिषेक किया था वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रावण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रावण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे जहाँ उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रावण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार ले आए और उन्हें गंगा स्नान कराया वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके राधे राधे हर हर महादेव